हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है टेस्ट एम। इससे आप अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन सा हार्डवेयर ख़राब है, तो उसको आप वहीं रिपेयर जहाँ पर होता है आपका मोबाइल वहाँ पर जाके सही करवा सकते हैं। इससे आपका मोबाइल को बात करने में दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है टेस्ट एम। वो प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ टेस्ट एम को हम ओपन करते हैं। टेस्ट एम को ओपन करने के बाद इसमें टेस्ट हो जाएगा, आपको दिखा देते हैं कितने टेस्ट लेता है, किस तरह का टेस्ट लेता है। आपके टेस्ट एक टेस्ट हो जाता है कम से कम मिनिमम 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड से अंदर ही 5 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं जितना आप लगा पाएँ। और कोई कोई टेस्ट 30 सेकंड का लेता है। तो इसमें देखते हैं, ये टेस्ट मैंने किया था लेकिन अभी गड़बड़ हो गया। कैसे टेस्ट करते हैं ये आपको बता देते हैं। इसमें आपको यहाँ से सीधे जाना है, यहाँ पर क्विक टेस्ट फुल टेस्ट लिखा है, आपको जल्दी से टेस्ट करना है। तो क्विक टेस्ट यूज़ कर लीजिए, और कम से कम करने हैं फुल टेस्ट की, मतलब पूरा मोबाइल चेक करना है आराम से। फुल टेस्ट पर क्लिक करके फुल टेस्ट कर चेक कर लीजिए। मैं फुल टेस्ट करके दिखाता हूँ, टेस्ट नहीं करूँगा मैं, बस इसकी पता जाऊँगा। पहले आपका GPS लोकेशन दिखेगा, पर वो देगा चेक करेगा। ये दिखा देते हैं फुल टेस्ट। फ्रेंड्स ये तो मैंने चेक करना है, इसमें एक ही दिखा रहा है क्योंकि मेरे एक ही बच्चा है टेस्ट करने के लिए, बाकी सब कुछ मैंने चेक कर लिया इसमें। तो ये रहा मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर, फिंगरप्रिंट का हम देख लीजिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताता है इसका, यहाँ पर फिंगरप्रिंट का है पास हो गया आपका। तो इसको हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देखिए फिंगरप्रिंट सही हो गया। बैक कैमरा कह रहा है तो बैक कैमरा चेक कर लेते हैं। इसमें स्टार्ट कर देते हैं, ये भी कर दिया। नेक्स्ट टेस्ट, ये भी बैक कैमरा भी टेस्ट कर लिया है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फ्लैश मेरा होगा नहीं क्योंकि 15% पहले ये फ्लैश इसमें जलती नहीं है, एक और फ्लैश जल नहीं रही है, तो इसमें बता नहीं सकते हम कितना है। तो इसको हम करेंगे नहीं, इसको क्लेंस कर देंगे। जब चार्ज होगा मोबाइल तब इसको कर देंगे। ये देखिए बाकी मेरे टेस्ट सब सही हो गए हैं। एक वाईफाई का टेस्ट बचा है और एक GPS लोकेशन का टेस्ट बचा है। दोनों टेस्ट मेरे होंगे नहीं, मेरे टेस्ट होंगे नहीं, ये बाद में हो पाएंगे। इसमें थोड़े होता है तो इसे इसमें मेरा टेम्बो का मोबाइल है, इसमें थोड़ा फंक्शन होते हैं इस तरह के, तो इसमें मेरे इसमें टेस्ट नहीं कर पाऊँगा ये दोनों अभी इसमें, तो बाद में टेस्ट कर लूँगा। आपको इस टेस्ट इसी तरह कर लीजिए, इसको जो जो टेस्ट आपके ख़राब होंगे उसको बता देगा। हेडफोन का भी मैंने टेस्ट नहीं किया अभी, खूबसूरत दिखा देखिए रेड बना है। टच स्क्रीन का टेस्ट कंप्लीट हो गया। कैमरा जो है कनेक्टिविटी है, ये ब्लूटूथ का है, ये साउंड का है, ये सब कुछ आपको दिखा दे रहा है। कौन कौन सा हम टेस्ट किए, कौन कौन सा नहीं किए, कौन कौन सा ख़राब है, कितना चीज़ ख़राब है, आपका मोबाइल रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा। फाइंड रिपेयर शॉप भी दीजिएगा आपको। आप यहाँ से क्रिएट रिपोर्ट भी क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट रिपोर्ट, और यहाँ से रिपोर्ट आपकी क्रिएट कर देगा। टेस्ट एम देखिए यहाँ पर टेस्ट एम कर रहा है क्रिएट, वेरीफाइड बाई टेस्ट एम, यहाँ पर रिपोर्ट लिखा है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये देखिए एक मिनट। तो फ्रेंड्स देखिए रिपोर्ट क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हैं कि 1.2 GHz प्रोसेसर है, 1.8 GB रैम है, 10 MP मेन कैमरा है, यहाँ पर कैमरा दिखा रहा है, और 6 MP कैमरा फ्रंट है, और 7 Android 7 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, और इसमें 4.5 इंच की डिस्प्ले है मेरी, और 640x1280 रेवोल्यूशन है मेरा, 320 PPI डेंसिटी है मेरी। स्टोरेज अभी आपको दिखा दीजिए, इसमें 5.5% GB यूज़ हो गई है, 5.58 GB भी बची है टोटल इतनी स्टोरेज में। आपको ये दिखाएगा यहाँ पर लिखा है हेल्थ रिजल्ट, स्क्रीन के 100% हेल्थ है, 2 टेस्ट हो चुके हैं दोनों में, साउंड के 75%, 5 टेस्ट हुए हैं, 5% टेस्ट को मिला के 75% है। टच स्क्रीन का गुड है, स्पीकर का गुड है, ईयरफोन ईयर पीस का गुड है, और माइक्रोफोन का गुड है। हेडफोन अभी मैंने लगाया नहीं, इससे प्रॉब्लम फाउंड नहीं हुई है। और इसमें मोशन 100% हेल्थ है, मोशन भी इसका सही है, कनेक्टिविटी 50% की, 5 टेस्ट हुए हैं। ये ब्लूटूथ का मैंने एक बार कर दिया था, उसको किया नहीं, इस वजह से शादी 50% बता दिए कि आपके 50% बची है, सिर्फ सही हुई है, बाकी सब खराब हो गया है। GPS अभी चेक नहीं हुआ है, वाईफाई अभी उसको
प्रॉब्लम फाउंड इसमें बता रहा है, वाईफाई मेरे ऑन है, कनेक्ट नहीं किया मैंने कोई से, वाईफाई का प्रॉब्लम बता रहा है ये। गुड गुड, इसमें भी है 70% हार्डवेयर है, लाइट के बता रहा है, चार्जर के बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, कैमरा की 67 है, फिंगरप्रिंट भी गुड है, और फ्रंट कैमरा फ्लैश सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर रिपोर्ट आपकी पूरी इस तरह क्रिएट कर देता है। बाद में जब आपके जो भी सिस्टम ख़राब है वो आप सीधे रिपेयरिंग के पास लेके जाइए, रिपेयर वाला बिल्कुल आपका सिस्टम देख के उसका चेक करके वो आपको सही कर देगा। इसी ये फ़ायदा है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग चैनल नहीं देख रहे हैं उस चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।